हेलो दोस्तों, आई एम चिराग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप करता हूँ सब लोग अपने काम में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वस्थ रहिए। 6:30 बजे का टाइम है और हम लोग तैयार हैं एक नई राइड के लिए। तो मिलते हैं रोड पर और करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। भाई निकल पड़े हैं सुबह 6 बजे। तो दोस्तों निकल पड़े हैं फाइनली हम लोग हाईवे की तरफ। 450 किलोमीटर हमें अप्रॉक्सीमेटली फिनिश करना है 10 आवर्स में, जो हमारा टारगेट है। सोच रहे हैं 4 बजे तक हम लोग पहुँच जाएँ अमृतसर। और रिकॉर्डिंग का नॉट श्योर हो रही है या नहीं हो रही है, बिकॉज कैमरा तो मैंने चालू कर लिया है, बट थोड़ा सा एंगल का देख लेना है अगर ठीक ना आए तो। ये वही गोल चक्कर है हमारा गाड़ी वाला। तो यहाँ से सीधा हम लोग जाएँगे बाईपास समालखा कुरुक्षेत्र अम्बाला से होते हुए सीधा अमृतसर। ओके सो दोस्तों, टाइम हुआ है 7:30 और हम लोगों ने क्रॉस कर लिया अमृतसर का ढाबा और हम लोग बढ़ रहे हैं आगे कन्नौर समालखा की तरफ। समालखा यहाँ से दिखा रहा है 21 किलोमीटर। एक किलोमीटर आगे टोल है और ये टोल एक्चुअली शिफ्ट किया गया है आगे। पहले ये टोल अमृतसर देव के पास बनना था, बट कुछ ले दे के या पता नहीं कैसे उन लोगों ने कुछ जोर लगा के टोल को आगे शिफ्ट करवा दिया है। बाकी कन्नौर यहाँ से दिखा रहा है 11 किलोमीटर। कन्नौर में आपका चौकीदानी है, आप चाहो तो चौकीदानी देख सकते हो। चौकीदानी वही सेम प्लेस है जो जयपुर में है और यहाँ पर राजस्थानी हरियाणवी कल्चर को प्रमोट करते हैं। नॉर्मल चार्जेस है, 700-800 रुपये की टिकट होती है, उसमें अनलिमिटेड खाना पीना एक्टिविटीज़ सब चीज़ इंक्लूड होती है उसके अंदर। तो ब्लॉक को बढ़ाते हैं आगे और क्रॉस करते हैं हरियाणा सोनीपत और बीच में एक ब्रेक ले लेंगे जैसे ही हम लोग 100 किलोमीटर के आसपास का रन कब ना कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुँचे हैं पानीपत सिटी। क्रॉस करके लेते हैं छोटा सा ब्रेक बिकॉज इट्स ऑलरेडी 105 किलोमीटर। तो मिलते हैं फटाफट ब्रेक पर। कहाँ पे पहुँचे ममता मैडम? कहाँ पे पहुँचे? हम करनाल के पास पहुँचे हैं पानीपत पार करके। अरे यार उदाहरण क्या खा रहे हो तुम बता दो। कुरकुरे। ओ भाई साहब कुरकुरे खा रहे हैं। चलो रुद्रा चल रहे हैं यार, चलो आओ भाई। यहाँ पे हम लोग रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, पता नहीं कोई मयूर पंजाबी ढाबा है। हाँ तो भाई चलते हैं आगे की राइड करते हैं कंटिन्यू। हाँ खिंचवा लो, चलो तुम वीडियो में ही आ रहे हो तुम। ओके सो दोस्तों, छोटा सा ब्रेक लेने के बाद हम लोग निकल गए हैं अपनी आगे के सफ़र के लिए। तो अभी हम लोग हैं अम्बाला कैंट के आसपास, सो होपफुली 1.5 घंटे में हम लोग अम्बाला कैंट तक भी पहुंच जाएंगे। और अभी टाइम हुआ है 10 सुबह के, तो 10 o'clock के आसपास तक की हमारी राइड कंप्लीट हो गई है। 3 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग पहुँच गए अम्बाला। अगला ब्रेक हम लोग लगभग लेंगे अम्बाला पार करके, बिकॉज़ 12:15
के आसपास तक का लंच टाइम हो जाएगा। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे और जूस वगैरह कुछ हेल्दी पी लेंगे ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, बिकॉज धूप थोड़ी सी तेज़ है बट मौसम ठंडा है, मतलब हवा ठंडी चल रही है, इतनी तेज़ धूप में भी लग नहीं रहा कि गर्मी है। बाकी आगे आज़ादी की 75वीं साल का जश्न, मोदी जी की बस जा रही है हर घर तिरंगा, तो पूरी बस को इन्होंने स्पॉन्सर किया। लोग रुक रहे हैं यहाँ पे जूस पीने के लिए, ठीक है, जूस हमने पी लिया है और चलते हैं आगे। सर तो भैया कह रहे हैं दूध जूस पीना, चलो भैया जूस पिला देंगे। क्या चाहिए? अरे भाई क्या करोगे साइकिल का, नहीं छोड़ दो तुम, जूस बेच लोगे। One hour later. तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं अम्बाला। अम्बाला में आपका हार्दिक स्वागत है और वेल नोन रोड है, अगर आप लोग इस रास्ते से कभी गुजरे हैं तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि हम लोग किस रास्ते से गुजर रहे हैं। सो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे रास्ता जा रहा है चंडीगढ़ के लिए। अगर आपको चंडीगढ़ सिटी में एंटर करना है तो आपको जाना पड़ेगा राइट लेफ्ट हैंड साइड वाले रोड से, बट हम लोग लेफ्ट साइड वाले रोड से नहीं जा रहे बिकॉज अभी हम चंडीगढ़ की तरफ चल जाएंगे। हम लोग सीधा बाहर की तरफ से निकलेंगे, आउटर रिंग रोड की तरफ से, और सीधा पहुंचेंगे सरहिंद और फगवाड़ा वाले रास्ते से अमृतसर। तो फटाफट करते हैं आगे का पर कंटिन्यू और पहुंचते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। A few moments later. रुद्र बैठ गया भैया खाना खाने के लिए, है ना रुद्र? रुद्र क्या खा रहे हो? दिख ही रहे हो तुम तो। फाइनली लंच ब्रेक करने के बाद हम लोग निकल गए अपने आगे के लिए सफ़र के लिए। सो अभी हम लोग पहुँचे हैं लुधियाना सिटी। सो जितने भी हौजरी का काम है, हौजरी की फैक्ट्रीज हैं, वूलन की फैक्ट्रीज हैं, वो सब लुधियाना में ही है। तो अभी टाइम जो हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 1:30 बजे का टाइम है और यहाँ से अमृतसर दिखा रहा है 130 किलोमीटर, तो और 2 घंटे की राइड है। तो अप्रॉक्सीमेटली 3:30-4 बजे तक हम लोग अमृतसर तक पहुँच जाएँगे। ज़्यादा देर का नहीं है यार, 5 मिनट का जाम है, वैसे पता नीचे उल्टा मोड़ रहे हैं तो आगे से नीचे ही आ जाएगा वैसे ही। कुछ छोटा छोटा चल रहा है, मैंने क्या चल रहा है लखा भाई जरा अपना पिता
कितना का दाम था और इसके चक्कर में लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। सही किया हमने डिसीजन लेके। तो भाई फाइनली यार पीछे बैठ जाओ बस। अब देखना है हमें होटल है तो बाल्टी किन गई इनकी लेटर। तो भाइयों फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं सर, हम चेंज करके जा रहे हैं टाटा पिन रिजॉर्ट। हाँ जी अच्छा लो ये लो ठीक है। कितना टाइम दिखा रहा है यहाँ से सीधे जाना ऊपर लेफ्ट इस तरफ ये वाला रोड जा रहा होगा ना नीचे वाला। इस हाथ पे ही होगा सीधा से तो मजा ही आएगा। शोर किनारे पे लगा देते हैं यहाँ है ना।